জয়ন্ত একটু পিছিয়ে অনেক গ্রাউন্ডে উইকেট একটা দুঃখের পরিবেশে পরে দেখা আপনাদের গ্রামের সামনে जब चुनाव है तो प्रचार भी तो गर्मी में ही होगा ना। क्या खाना खा रहे हैं, कैसे शरीर को मेंटेन कर रहे हैं? अब यह है कि चेहरा देख के पता लगता है भूखा प्यासा हूँ। ऐसा मेहनत करने के लिए आदमी को सवेरे पार्टी वर्कर लोग का ध्यान रख रहे हैं, छाछ पी के निकलते हैं। पार्टी वर्कर भी सब लोगों के साथ में भोजन करते हैं, सबके साथ बैठ के भोजन करेंगे, ठीक है? दोपहर को भोजन जो होगा सबके साथ बैठ के नीचे बैठ के भोजन करेंगे, ठीक है? अरुण माने आत्मीय वियोग ये जो आशा राजनीतिते एटा এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই, সামাজিক সম্পর্ক। এগুলো মানুষ তো সবার ওপরে। আমি যদি আমার প্রতিবেশীর প্রতি
না লক্ষ্য রাখি, যারা আমাদের পরামর্শদাতা, যারা সমাজকর্মী, তাদের প্রতি তো আমাদের একটা আলাদা দায়বদ্ধতা আছে। তো এই সামাজিক যেমন আনন্দতেও আমরা একসঙ্গে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করি, আর বিশেষ করে দুঃখের সময় আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা পাশে এসে দাঁড়ানোর আমাদের মানসিকতা থাকে। এই সৌজন্যতায় কি তাহলে সমাজে নতুন কোনো বার্তা যাবে? নতুন কেন, এটা তো বহু প্রাচীন আমাদের ঐতিহ্য। যারা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছেন তাদের হয়তো এই আপনাদের মাধ্যমে তারা দেখবেন যে আমরা ভুলিনি, এটা ভোলা উচিত নয়, এটাই আমাদের সংস্কৃতি। देखिए ये कर्म कांड में से एक कर्म कांड होता है जो अंतिम संस्कार किया जाता है, और कभी किसी के परिवार में वियोग हो, दुख हो, तो सुख दुख में इंसान को सदैव साथ में रहना चाहिए। आपको एक और उदाहरण भी दे सकता हूँ कि जिस समय भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो रामेश्वरम में पूजा हो रही थी, और पूजा के लिए एक प्रखंड विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। ऐसे में रावण जानते हुए कि उनके वहाँ हमला होगा, उनको न्योता मिला तो वो आए और उन्होंने भगवान श्री राम का अनुष्ठान करवाया। तो हमारे जो सनातन धर्म है या इंसानियत जिसको बोलते हैं, मनुष्यता, उसमें सदैव सुख दुख में साथ रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, हम जब छोटे थे तो हम राजनीतिक तो थे नहीं, पढ़ाई लिखाई करके आगे हुए फिर राजनीति में आए। तो यह एक सामाजिक काम है जिसमें कि हम लोगों को सदैव साथ में रहना चाहिए। सुख दुख की बेला में ही इंसान का चरित्र पता लगता है। आज हम सांत्वना देने आए थे, अपने भाई को हम भाई मानेंगे, माँ का देहांत हुआ, किसी की भी माँ हमारी माँ है, हमारी माँ किसी की भी माँ हो सकती है, तो आज वही सांत्वना के लिए आए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं।